बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज के विषय गुरु में। मैं हूं आपका होस्ट और हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। आज का हमारा डे टू है और डे टू वीडियो में टॉपिक तो हमारा वही देखी समीकरण चल रहा है, उसी का डे टू है ये। और सब टॉपिक में देखी समीकरण को हल करना जबकि एक पक्ष में व्यंजक और दूसरे पक्ष में संख्या हो। हम आपको प्यारे बच्चों बता देना चाहते हैं कि आज के वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करना सीखेंगे, मगर इससे पहले हम पुरानी बातों की चर्चा कर दें कि पिछले वीडियोज़ में वीडियो वन में यानी डे वन वीडियो में हमने आपको क्या बताया था। ठीक है, तो डे वन वीडियो में हमने आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना यानी समीकरण को बनाना बनाना या इसी को कह सकते हैं समीकरण लिखना। ठीक है, यानी ये हमने सीखा था। तो अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए टॉपिक की ओर। तो देखिएगा, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल ये है कि एक्स प्लस थ्री इक्वल टू सेवन। देखिए, हल करने की बात आ जाए तो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम पक्षांतर करके भी इसको हल कर सकते हैं। अगले टॉपिक के सब टॉपिक के रूप में हम ये भी बताएंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को पक्षांतर के द्वारा हल करना। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये हम कराएंगे, ये हमारे उसमें भी शामिल है। तो चलिए चलते हैं। तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू सेवन है। अब इस पर इसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब है कि एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? इसका मान, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि एक्स को क्या करेंगे, हम पृथक करेंगे, अलग करेंगे, या जिसको हम कहते हैं सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या है कि तीन को हटाएंगे। तो तीन हटेगा कैसे? कोई तरीका तो है नहीं तीन का। ठीक है, जब तीन का भाग दे देंगे तो क्या होगा, तीन से तीन कट जाएगा तब भी एक्स प्लस वन बचेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम कि तीन घटा दें तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब तीन, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब तीन माइनस करेंगे तो राइट हैंड साइड से भी तीन माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखिए, लिखिए समीकरण एक्स प्लस थ्री इक्वल टू सेवन में से चर एक्स को पृथक ऑब्लिक अलग करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों से, या मैं से कर लीजिए, मैं से तीन को घटाने पर। ठीक है, तभी हो जाएगा एक्स प्लस थ्री और माइनस थ्री इक्वल टू सेवन माइनस थ्री। है ना, हमने क्या किया कि ये माइनस थ्री इधर घटा दिया और माइनस वन माइनस थ्री इधर घटा दिया। तो देखिए बचेगा क्या, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा एक्स बराबर सात में से तीन गिर जाएगा चार। तो ये हो जाएगा चर एक्स का मान हो जाएगा चार। और ये जो है यही है, यही आपका समीकरण का हल है। देखिए, किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो सीधा सा बात है कि उसके चर का मान ज्ञात करना होता है हमको। तो उसका वो एक हल हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको एक और बता दें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होगा। ठीक है, क्या होगा, एक ही हल होगा। आगे चलते हैं, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको स्वयं भी करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर आपसे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक समीकरण, ये क्वेश्चन दो है और ये समीकरण है एक्स माइनस फाइव इक्वल टू नाइन और इसको हमें हल करना है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हल करना है हमको जिस तरीके से हमने ऊपर ये क्वेश्चन हल किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस पाँच है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ देखिए प्लस थ्री था तो हमने क्या किया, थ्री को लेस घटाया था दोनों पक्षों से। यहाँ माइनस पाँच है तो माइनस पाँच को इलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ देखिएगा कि माइनस पाँच है और अगर इसमें पाँच जोड़ दें तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहीं पर क्या करेंगे, एक्स माइनस फाइव प्लस का फाइव इक्वल टू नाइन प्लस फाइव। तो ये दोनों देखिएगा ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो
तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 13, ये इसका एक हल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हल कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आगे। हाँ, हम थोड़े से एक दो क्वेश्चन आपको घर अपने लिए भी दे दें स्वयं करने के लिए। तो निम्न लिखित थोड़ा सा आपका भी अभ्यास हो जाएगा, को स्वयं हल करें या करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहला है x प्लस 2 इक्वल टू 4, दूसरा है 5x इक्वल टू 20, और तीसरा है x/4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, जो आपको क्या करने हैं, स्वयं हल करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, और आगे फिर हम आगे जो टॉपिक में बताने वाले हैं वो रेखीय समीकरण को पक्षांतर विधि द्वारा हल करना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होना है। चलते हैं नेक्स्ट, रेखीय समीकरण को पक्षांतर द्वारा हल करना, ठीक है। अब इसको पक्षांतर द्वारा हल करेंगे, और देखिए किस तरीके से इसको हल करते हैं, हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। और उस एग्जांपल में आप देखिएगा कि पक्षांतर की पूरी टेक्निक आपको यहाँ समझनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको पक्षांतर की छोटी छोटी बातें बता दें कि कोई संख्या मान लीजिए ये 2x है, ये मान लीजिए 3 है, तो हम ये संख्या चूँकि यहाँ गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाने पर ये किसकी हो जाएगी, भाग की हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं गुणा वाली संख्या किसकी हो जाएगी, वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाने पर भाग में आ जाएगी, ठीक है। तो अब जोड़ में है, योग में है, मान लीजिए जैसे है x+2 इक्वल टू 3, तो ये जब इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ देखिए धन की संख्या है तो ये ऋण की संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x=3-2 इक्वल टू 1, यानी x=1। तो इस तरीके से आपको को करना है। तो चलिए चलते हैं, तो ये क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चन है x+5 इक्वल टू 3, ठीक है। इसको हमें पक्षांतर विधि से इसको हल करना है, पक्षांतर द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमको करना क्या है कि x को क्या करना है, हमें यहाँ पर सेपरेट करना है, ठीक है। जब x को सेपरेट करना है तब क्या होगा, तो x को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे कि x को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, है ना, यानी इसके पक्ष का अंतर कर देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखिए, तो इसको समीकरण मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 को, या ऐसे भी लिख सकते हैं, x को अलग करने के लिए पाँच को, यानी ये राइट हैंड है ना, 3 की ओर भी कह सकते हो आप इसको, थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, या राइट हैंड साइड में पक्षांतर करने पर, ठीक है। इतनी भाषा मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, जब आप सीख जाएंगे तब आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे फिर हो जाएगा ये x=3, और ये 5 जो है ये इधर जाएगा, ऋण का हो जाएगा, तो ऋण 5। अब घटा दीजिए तो x=, क्या हो जाएगा, ये 5 ऋण का है, 3 धन का है, तो यानी ऋण का 2 बचेगा, यही इसका आंसर है। तो हमको आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, एक बात और कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आपके लाइक और शेयर से ही मुझे पता लगता है
आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके मन में क्या चल रहा है, तो ये मुझे लाइक से ही पता लगता है या कमेंट से ही मुझे पता लगता है। तो आप कमेंट और लाइक करते रहिए थोड़ा सा समय निकाल के, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे में देखेंगे हम कि एक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वैसे सब सिंपल ही है क्वेश्चन, मान लीजिए ये हो गया वन इसका और ये क्वेश्चन नंबर टू हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे जी, तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन है कि एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 12, ठीक है। एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 12, तो इधर देखेंगे यहाँ एक्स को अलग करने के लिए क्या करेंगे, सात को पक्षांतरित करेंगे। यहाँ देखिए सात का चिन्ह देखिए धन है, तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यानी ये धन का साथ है तो ये ऋण का साथ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 12 और ऋण 7, ठीक है। तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, अब जानते हैं, तो एक्स इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आपके आ गया होगा मुझे आशा है। अब यहाँ देखिएगा, हमने कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता दें, चलिए ऐसे बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम बताते हैं। हमने ऊपर बताया है, इसको देख लीजिए, ऊपर हमने बताया कि अगर गुणा वाली संख्या है तो दूसरे पक्ष में जाने पर भाग में चली जाती है, ठीक है, और अगर जोड़ की है तो दूसरे पक्ष में घटाने की, मतलब ऋण की हो जाएगी धन की है तो, और ऋण की है तो धन में हो जाएगी, ऐसे ही भाग में है तो गुणा में चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यह एक्स बटे दो धन बराबर 3, मान लीजिए हमने ये मान लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भाग की संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेगी, ये एक्स बराबर 3 गुणा 2, यानी गुणा में हो जाती है, ये यहाँ पर जाके किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन चार ऑपरेशन हैं, तो आपको अच्छे लगे होंगे। आगे फिर हम चलते हैं और एक क्वेश्चंस लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई पद तो प्यारे बच्चों देखेंगे, हमने जो बात आपको यहाँ बताई है, हाँ, तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि कोई पद या कोई धनात्मक पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हम ले जाते हैं तो कैसा हो जाता है, वो ऋणात्मक हो जाता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया, धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया। या कोई ऋणात्मक पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। तो देखिए इसको जब इधर लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, ये ऋण का साथ है, ये धन का साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको आशा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइक करते जाइएगा। हाँ, अगर आप नए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे शेयर करिएगा दोस्तों में, शेयर करके दोस्तों से भी कहिए वो देखें और उसके बाद डिस्कस करिए आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।